अमेरिका के मिसिसिपी में कई दिन से सुलग रहे जंगल। जेफसन डेविस काउंटी में करीब 1500 एकड़ जंगल जलकर हुए खाक। फायर ब्रिगेड ने 50% आग पर पाया काबू। कोलोराडो में वायुसेना एकेडमी के पास लगी भीषण आग। कई दिन से जल रहा है जंगल। आसपास के इलाकों को खाली करने का अलर्ट। टेक्सास के 4 इलाकों में सुलग रही है जंगल की आग। कैनेडियन पैन हैंडल में लपटों से घिरे जंगल। लोगों को घर खाली करने का अलर्ट दिया गया। टेक्सास में जंगल की आग का भीषण कोहराम देखने को मिला। तेजी से फैलती आग की चपेट में आए खेत और नेशनल हाईवे। तेज हवाओं की वजह से लगातार बढ़ रही है आग। इसराइल के औद्योगिक इलाकों में हिजबुल्ला का हमला। एकर और नाहरिया इलाके में हमले के बाद लगे भीषण आग। इंडोनेशिया के बांडुंग शहर में तेज हवाएं और भीषण बारिश का कहर देखने को मिला। आसपास के इलाकों में भी भरा पानी। ब्राजील में भी सैलाब का कहर। ब्राजीलिया समेत कई इलाके पूरी तरीके से हुए जलमग्न। घरों को छोड़ लोग कर रहे हैं पलायन। फ्रांस में स्नोफॉल का खूबसूरत नजारा देखने को मिला। रात में हाईवे पर बिछी बर्फ की सफेद चादर। नॉर्थ अफ्रीकी देश मोरक्को में बर्फ से ढका पहाड़। एटलस पर्वत पर बर्फबारी के बाद पेड़ों पर बिछी बर्फ की चादर। तेलंगाना के सिद्दीपेट में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार डिवाइडर से जा टकराई। दूसरी साइड से आ रही कार से भी हुई भिड़ंत। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में घर जलकर हुए खाक। आग लगने से गैस सिलेंडर में हुआ था ब्लास्ट। अंदवाड़ा की एक बिल्डिंग में लगी भयानक आग। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। पंजाब के फरीदकोट में बदमाशों ने लाठी पत्थरों से गाड़ी पर किया हमला। कार सवार युवकों ने गाड़ी से निकलकर किसी तरह बचाई जान। सीसीटीवी में घटना कैद। खरगोन में पीएचए विभाग की पाइपलाइन फटी। दूर तक सैकड़ों गैलन पानी फैलने से खेतों में फसलें हुई प्रभावित। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के बजट सत्र में शामिल होने पर फैसला आज। सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला रखा था सुरक्षित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का झारखंड दौरा। आज केंद्रीय विद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। पीएम मोदी के तमिलनाडु दौरे का दूसरा दिन आज। तुतीकोरन और कई जगहों का करेंगे दौरा। जनसभा भी होगी। शाम को महाराष्ट्र में करेंगे विकास योजनाओं का लोकार्पण। मदुरै में पीएम मोदी ने मीनाक्षी अम्मन मंदिर में किए दर्शन। विधि विधान से की पूजा अर्चना। मदुरै में पीएम मोदी ने ऑटोमेटिव उद्योग से जुड़े एमएसएमई पर प्रदर्शनी का निरीक्षण भी किया। कहा आज एमएसएमई के भविष्य को देश के भविष्य के तौर पर देखा जा रहा है। त्रिपुर में प्रधानमंत्री का स्वागत। किसानों और आदिवासी समुदाय ने हल्दी की माला, शॉल और बैल की प्रतिमा भेंट की। त्रिपुर में प्रधानमंत्री का विपक्ष पर वार। कहा देश को बांटने की कोशिश करने वाले ये भीड़ देखें। भारत का भाग्य बनाने वाला राज्य है तमिलनाडु। पीएम मोदी ने कहा इंडी गठबंधन के साथियों ने तमिलनाडु को जकड़ा हुआ है। वो यहां का विकास नहीं होने देंगे। त्रिपुर में जर्मन सिंगर से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कैसेंड्रा ने पीएम को तमिल और हिंदी में सुनाया भजन।
बीजेपी हेडक्वार्टर में 8 राज्यों की कोर कमेटी की बैठक आज, लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों को लेकर होगा मंथन। शाह नदर समेत सभी राज्यों के सीएम रहेंगे मौजूद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात को करोड़ों की दी सौगात, गांधीनगर में कई प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया। आतंकी गतिविधियों के लिए जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर पर 5 साल बैन, बड़ा गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर दी इसकी जानकारी। लोकसभा चुनाव से पहले कभी भी लागू हो सकता है सीएए, आवेदन के लिए ऑनलाइन पोर्टल तैयार, सूत्रों के हवाले से यह जानकारी। आज बिहार के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीतामढ़ी सिवान दरभंगा में कई कार्यक्रम आयोजित, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। आंध्र प्रदेश के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विजयवाड़ा, बीजेपी कोर कमेटी के बैठक में की अध्यक्षता। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा केरल में एक भी सीट बीजेपी जीत नहीं पाएगी, यहां बीजेपी का हिंदुत्व एजेंडा नहीं चल पाएगा। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की बैठक आज, लोकसभा सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप देने पर होगा मंथन। आपके 4 प्रत्याशी घोषित, पूर्वी दिल्ली से कुलदीप कुमार, पश्चिमी दिल्ली से महाबल मिश्रा, दक्षिणी दिल्ली से सही राम पहलवान और नई दिल्ली से सोमनाथ भारती कैंडिडेट। गठबंधन में मिली दिल्ली की 4 सीटों के अलावा हरियाणा की 1 सीट पर भी आपने प्रत्याशी किया घोषित, कुरुक्षेत्र से सुशील गुप्ता को बनाया अपना उम्मीदवार। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा जो कांग्रेस और आप एक दूसरे को गालियां देते थे वो आज मिलकर लड़ रहे, लेकिन दिल्ली की सभी सीटें बीजेपी जीतेगी। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार में महागठबंधन को बड़ा झटका, आरजेडी के एक और कांग्रेस के 2 विधायक बीजेपी में हुए शामिल। हरियाणा विधानसभा में चाचा भतीजे में हुई नोक झोंक, शराब माफिया को लेकर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और अभय चौटाला में बहस। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का ममता सरकार को अल्टीमेटम, संदेश खाली के आरोपी शाहजहां शेख को जल्द करे गिरफ्तार, नहीं तो 72 घंटे में देनी होगी रिपोर्ट। संदेश खाली मामले को लेकर आसनसोल में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, अग्निमित्रा पॉल के नेतृत्व में खोला गया मोर्चा। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा बंगाल पुलिस पर हमें पूरा भरोसा, शाहजहां की गिरफ्तारी की चल रही है प्रक्रिया। जयप्रदा रामपुर कोर्ट से आज हो सकती है फरार घोषित, बीजेपी नेता पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप, कई बार वारंट के बावजूद कोर्ट में नहीं हुई पेश। किसान आंदोलन का 16वां दिन आज, शंभू बॉर्डर पर किसानों की संयुक्त बैठक, 29 फरवरी को लेकर अगले कदम पर होगी चर्चा। ज्ञानवापी मामले पर आज हिंदू पक्ष जिला अदालत में दाखिल करेगा याचिका, व्यास जी के तहखाने की मरम्मत और उसके ऊपरी हिस्से में प्रवेश पर रोक की मांग। महमूद मदनी का एनसीसीपीआर चेयरमैन पर हमला, मुसलमान और मदरसों को टारगेट किया जा रहा है। यूपी के अमरोहा से बरामद गर्भवती महिला का शव, बोरे और थैलों में मिले शव के टुकड़े। इंदौर में निजी कंपनी के फील्ड मैनेजर ने की आत्महत्या, कंपनी बंद होने की अफवाहों के चलते फांसी लगाकर दी जान। उज्जैन में 2.5 साल की बच्ची के साथ रेप, आरोपी पड़ोसी गिरफ्तार, स्थानीय लोगों में गुस्सा। उज्जैन में 73 साल के बुजुर्ग से लूट की वारदात को दिया गया अंजाम, कार में बिठाया और सोने की चेन लेकर फरार हुए बदमाश।
शहडोल में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से दो बच्चों की गई जान, पेड़ पर बिजली गिरने से हुए हादसे का शिकार। सिवान में जमीन विवाद में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या, करीबी का विवाद सुलझाने गया था डीलर, हत्या के बाद हमलावर फरार, पुलिस मामले की जांच में जुटी। लुधियाना में गैंगवार में एक गैंगस्टर की गई जान, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। दिल्ली हाईकोर्ट का एमसीडी, डीडीए और एनडीएमसी को आदेश, पब्लिक टॉयलेट और यूटिलिटी का केंद्र सरकार से कराए ऑडिट, 1 मई को मामले में अगली सुनवाई। मुर्मू ने लोकपाल के सदस्यों की नियुक्ति की, जस्टिस अजय माणिकराव बनाए गए लोकपाल के अध्यक्ष। राजस्थान के बीकानेर से पाकिस्तानी जासूसी हुआ गिरफ्तार, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को भेजता था भारतीय सेना की जानकारी। कश्मीर के बारामूला में लश्कर से जुड़ा आतंकी हुआ गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार बरामद, पुलिस कर रही है पूछताछ। भारत में फ्रांसीसी सेना के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गार्ड ऑफ ऑनर ने किया गया उनका स्वागत।